तो एक बार गाड़ी की तरफ आते हैं दोस्तों, इसको देखो, जो लोहा है ना, इसकी बॉडी कितनी भयानक सड़ी हुई है। तो गणेश बाबू अपने को डीजल इंजन दिखाने वाला है, इसलिए थोड़ा। तो हाय गाइस, मैं अनिल और अपने साथ गणेश बाबू है, उसका ये दूसरा वर्कशॉप है। तो ये है प्रीमियर पद्मिनी, कब का मॉडल है भाई? ये होगा, तो ये लास्ट का मॉडल है। और ये गाइस डीजल मॉडल है और इसको करना है रिस्टोर। तो इसके बारे में अपने को गणेश बाबू बताएंगे क्या क्या करना है। गणेश बाबू, इसको फुल मॉडिफाइड करना, अभी डेंट पेंट करना है इसको। अच्छा, अभी ये देखो जैसा जंग लगा है। हाँ, ये सब खराब हो चुका है ना। तो गाइस, ये गाड़ी स्क्रैप करने की जगह गणेश भाऊ ने बताया कि ये गाड़ी बन सकती है। गणेश भाऊ इसको पूरा बॉडी वर्क करके देंगे। तो गणेश भाऊ, आपने मेरे को बताया था कैसे इसका क्या क्या करना है, तो इसको फुली मॉडिफाइड करना है। अच्छा, इसका तो डेंट पेंट करना है, ये जो सड़ा है ये पूरा निकल के इसमें से रिस्टोर हो जाए। तो गाइस देखो, ये डीजल गाड़ी है और इसका जो एवरेज जो है ना बहुत ही बढ़िया है। और देखो कितना भयानक सड़ गई है, मेरे को तो लगता नहीं था कि गाड़ी बनेगी करके। तो ऐसी गाड़ी बनने के लिए गाइस बहुत टाइम लगता है और आपका बजट हो तभी ये गाड़ी भी बन सकती है। और जब बनेंगी तब बहुत बढ़िया बनेंगी। और गाइस इसका देखो डीजल इंजन कैसा अलग ही आता था। तो इसकी एवरेज क्या है गणेश भाई? एवरेज होगा फिर भी 35 के आसपास होगा। 35? बाप रे, इतना भयानक एवरेज। तो कैसी क्या स्टोरी, ये 5 साल पहले लाए थे ना आपने? 5 साल पहले लाए थे, गाड़ी चला है अभी तक। अभी कैसा हिम्मत हार गई है ना थोड़ी सी गाड़ी। हाँ, तो अभी उसको नया रिकवर कराना है। अच्छा, तो गाइस ये बॉम्बे से लाई थी गाड़ी और देखो MH28। तो अभी इसको 2 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हुआ है और ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ गाइस। इसको एक बार रिस्टोर कराएंगे तो पासिंग आसानी से हो जाएंगी और रिस्टोरेशन में ज़्यादा मतलब यानी पासिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, है ना? नहीं नहीं, जो जैसे मेरी गाड़ी में आने वाला है खर्चा। तो मेरे पास भी प्रीमियर पद्मिनी गाइस, तो उसको पासिंग में भी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो ये ज़्यादा कुछ साल पुरानी नहीं है, मतलब इसकी बात करें तो इतना ऐसा गजब सा इंजन है, चिल्ड है। और ये कहीं से लीकेज भी नहीं दिखता ना गणेश भाई? नहीं, लीकेज नहीं है। और बॉडी की बात करेंगे ना तो बहुत सड़ी है। तो फिर भी हम चाहते नहीं कि ये ऐसी गाड़ी स्क्रैप हो करके आए ना गणेश भाई, क्योंकि आगे चल के तो मिलेंगी नहीं ये गाड़ी इसके बाद कभी। हाँ, और गाइस गणेश भाई और मैं पुराने विंटेज गाड़ी के बहुत ही शौकीन है। तो गणेश भाई मेरे को बोलते रहता कि अपन बॉम्बे चलते हैं और दूसरे लेके आते हैं। हाँ, प्रीमियर पद्मिनी लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ का क्या है गणेश भाई, वहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ है ना, गाड़ियाँ बहुत सारे, टैक्सी गाड़ी में ये गाड़ियाँ बहुत चले वहाँ पे मुंबई। और वहाँ गणेश भाई ने बहुत सारे देखे कि प्रीमियर पद्मिनी हर घर घर में है, घर घर में। ये बात मेरे को यानी कि इनसे पता चली कि वहाँ बहुत से गाड़ियाँ है, अभी भी बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। तो पासिंग वाली ये गाइस, पासिंग वाली कार लाई थी गणेश भाई ने। तो कितने डीजल डाला था इसमें? इसमें हमने डाले थे 3,000 रुपये का डीजल लगा। तो गाइस यहाँ पे नहीं, 1800 का कुछ लगा था, 3,000 का पूरा मतलब। तो गाइस इसमें 3,000 का डीजल डाला था, बॉम्बे से लाई तब। तो ये पासिंग वासिंग थी है ना गाड़ी? गाड़ी रहने वाली। तो पासिंग थी गाइस, और टायर डाले तब? टायर डाले थे। तो इसकी तभी गाइज ये गाड़ी जो थी बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, अभी बहुत सड़ी। इसको खोला तो रिस्टोर करने के लिए इसको खोला ना, तो इतनी सड़ी है अभी पता चला। तो फिर भी गणेश भाऊ इसको बना रहे हैं, इसके फ्रेंड की गाड़ी है। तो जैसे ही बन जाएगी तो हम इसको आपको वीडियो दिखा देंगे इस बार पूरा। तो एक बार गाड़ी की तरफ आते हैं दोस्तों, इसको देखो, जो लोहा है ना, इसकी बॉडी कितनी भयानक सड़ी हुई है। तो ये बढ़िया सा एक रिस्टोर होने के बाद मज़ा आ जाएगा, इसमें ज़्यादा वर्क है और बजट भी इसको अच्छा खासा चाहिए, तब जाके अपनी गाड़ी एक नंबर होती। और गाइस कोशिश कीजिए कि आप इसको ऐसी गाड़ी, विंटेज गाड़ी है, जो स्क्रैप मत कीजिए, क्योंकि ये गाड़ी ऐसे मिलने वाले नहीं है। तो डीजल में कुछ ऐसी गाड़ी आती थी अपनी, तो इससे बेहतरीन अच्छी गाड़ी देखनी हो तो अपने चैनल पे आ जाना। कई सारे गाड़ियाँ रिस्टोर है, अच्छे वाले कंडीशन वाले है, तो ये बड़ा रिस्टोर होगी तो मज़ा आएगा। तो आप चेक करो यार कैसी इतनी सड़ी है। कोई भी होगा तो दोस्तों इसको ऐसे स्क्रैप कर देगा पर मतलब नहीं, और ऐसी विंटेज गाड़ी जो है देखने को मिलती नहीं है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रिस्टोर होने के बाद इसको मैं आपको दिखाऊंगा। गणेश भाई का वर्कशॉप है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, और ये बाउपेट में उनका दूसरा वर्कशॉप है। यहाँ पे दूसरी भी गाड़ियाँ, नई की जो गाड़ियाँ है वो भी डेंटिंग पेंटिंग होता है पूरे प्रोसेस के साथ। और यहाँ पे उसका जो बोर्ड दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, आपको लगे तो आना हो तो आ सकते हो, कार को यानी डेंटिंग पेंटिंग करना हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है कार में तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो गाइस गणेश भाई से एक बार मिलते हैं, तो थैंक यू गणेश भाई, आप हमको पुराने गाड़ी के लिए सपोर्ट करते हो। और भाई के वर्कशॉप में जरूर आना गाइस, कोई भी आपको आसपास के हो तो कोई गाड़ी के लिए डेंटिंग पेंटिंग करना, एक्सीडेंट गाड़ी हो तो फुली वर्क कर देते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करो हमारे भैया के चैनल को। तो गणेश भाई थैंक यू सपोर्ट के लिए।